मुझे बहुत दुख होता है, रहीम साहब स्लो पॉइजन है ये पिक्चर। बहुत ज्यादा इमोशनल हुए, चीज देख के कोई भी इमोशनल हो सकता। वो मोमेंट ऐसे था मेरे घुसबम खड़े हो गए। अभी अजय देवगन की काफी तारीफें करना चाहूंगा, मेहनत के ऊपर ही दुख होता है कि, और आज जो फुटबॉल की कंडीशन है उसके ऊपर दुख हो रहा है हमें। अभी अक्षय कुमार साहब को देख देख के पब्लिक पक गई है। आप जब बैठते हो ना उसके बाद तो हंगना उतना बंद। सैयद अब्दुल रहीम ये मेरे दिमाग में बैठ गया कैरेक्टर। मुझे लगता है अजय देवगन साहब का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं कहूंगा, क्योंकि फिल्म में जो अब्दुल रहीम साहब का अजय देवगन ने जो किरदार निभाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया। वो वाकई में अब्दुल रहीम साहब लग रहे थे। जितना मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, जानता हूँ, वो मुझे ना कहीं पूरी तरह से न्याय करते हुए नजर आया। फिल्म का जो सेकेंड हाफ है बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेकेंड हाफ है। एक कोच, एक कैप्टन, एक टीम लीडर क्या होना चाहिए, फिल्म बहुत अच्छा सोशल मैसेज देती है। लोगों को अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मारना चाहिए। अगर आप मौत के कगार पे भी हो तो आप इस जीवन में जो करने के लिए आए हो वो उसको पूरा करके ही आपको अंतिम सांस लेना। ये फिल्म बहुत ही प्रेरणा है, बहुत ही इंस्पिरेशन है, खासकर युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए। मुझे लगता है क्रिकेट के बाद अब कहीं ना कहीं फुटबॉल को भी देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी बनेगी। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में फिल्में बहुत असर करती है किसी चीज़ को भी बढ़ावा देने के लिए। मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद लोगों का फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ेगी। मुझे बहुत दुख होता है, रहीम साहब ने फुटबॉल का स्तर कहां से कहां पहुंचाया था। हम चाहते, हमारा देश चाहता इस स्तर को कंटिन्यू रख सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट फुटबॉल पर बहुत हैवी हो चुका है। मुझे लगता है ये फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसको ध्यान देना होगा कि फुटबॉल पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, और रहीम साहब जैसा कोच दोबारा हिंदुस्तान को चाहिए। जो टीम इंडिया का जो टाइटल सॉन्ग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है। लोग आज के बाद जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे इस तरह के म्यूजिक को, इस तरह के गाने को बजाना बहुत पसंद करेंगे। मैं गजराज जी का जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का रोल है उन्होंने बता दिया कि एक जर्नलिस्ट के मायने क्या होते हैं, उसका पावर क्या हो सकता है, किसी भी टीम को, किसी भी व्यक्ति को कितना ऊपर बढ़ा सकता है, गिरा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो देखते हैं कि अजय देवगन साहब, रहीम साहब कहूँगा मैं, जो अपने जो किरदार है उसके प्रति न्याय करते हुए कैसे एक अकेला बंदा अकेला लड़ते हुए टीम इंडिया को एक जीत की कगार पर लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके आगे झुक जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको आखिर में पसंद करने लगते हैं। ये बहुत अच्छा इमोशन हमको देखने को मिला। मुझे लगता है सबकी बीवियां इस तरह से होना चाहिए, बैकबोन होना चाहिए। हर मर्द के लाइफ में जो उसकी बीवी होती, जो बेगम होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मुझे लगता है उनकी बेगम इस तरह का रोल नहीं प्ले करती, जो रहीम साहब के बारे में आज हमको जानने मिला वो हम नहीं देख पाते। जैसे उनको पता चलता उनको एक बीमारी है, वो सोच के मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाते, लेकिन उनकी वाइफ उनको जीने की प्रेरणा देती है, जीने का सबक देती है, जीने का लेसन देती है, और कहती है कि जिसके लिए आप यहाँ पे पैदा हुए मैं चाहती हूँ उसी के साथ आप मरे वो मुझे मंजूर होगा। मैं वो चाहती कि उनका जो पति है, उनका जो शौहर है, देश के लिए कुछ करे, और जिस खेल के प्रति उनके दिल में इतना सम्मान है, इतना जज्बा है, उसको खेलते हुए अगर आखिरी सांस ले तो उनको गम नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैदान के सामने कहीं भी ठहर पाएगी। मैदान का जो इमोशंस है, मैदान का जो जज्बा है, मैदान में कहूँगा कि हिंदुस्तान की फिल्म है, इंडिया की फिल्म है, इसको हर भारतीय देगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी एक्शन फिल्में वालों के लिए एक पर्टिकुलर तबका रहता है, ये फिल्म कब आती है, कब जाती है, पता नहीं चलेगा। लेकिन इस फिल्म के साथ देश का जज्बा जुड़ा है, देश का जुनून जुड़ा है, देशवासी जुड़े हैं। आउट ऑफ 5, 4.5 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा लगा, जिसके कारण मैं थोड़ा सा मार्क्स काटना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को इस फिल्म को देखना चाहिए, खासकर जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स का बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्लाइमेक्स का आखिरी तक जो छोटा सा सॉन्ग है वो आपको जैसे ही सिनेमा घर से बाहर निकलते आपके जहन में जिंदगी भर याद रहेगा। स्पोर्ट्स ड्रामा पे काफ़ी पिक्चरें देखी है हमने, चक दे हो गई, कैरम पे देखी, चेस पे देखी है, हॉकी पे देखी है, गोल्ड भी बनी थी, फिर उसके बाद में कंगना ने कोई लेके आई थी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फुटबॉल पे ये पहली शायद हमारी बॉलीवुड फिल्म बनी है जो कि इतनी बेहतरीन है, मतलब बनी होगी लेकिन इतनी बेहतरीन पिक्चर नहीं बनी है, जो कि आपको मतलब बाहर निकलने के बाद भी आप इसको
डिस्कस करते हुए जा रहे हो, पिक्चरें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके दिमाग में छप जाए और आप आगे जाके भी उस बारे में बात करो। तो जैसे ही ऑडियंस कल निकलेगी ना बाहर, तो हर मैच के बारे में, उन यू नो किरदारों के बारे में, जो प्लेयर्स है उनके बारे में बात करेगी। हाँ, मोदी जी को बोलूँगा थोड़ा सा अभी ध्यान दे ये पिक्चर के बाद में, जैसे बाकी के पिक्चरों को आपने प्रमोट किया था, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, वैसे इसको भी आके प्रमोट करे और एक अच्छा कोच रहीम जी जैसा वापस से हमारे इंडिया के लिए लेके आए, क्योंकि 64 ईयर्स हो गए हम वापस ओलंपिक में नहीं गए। अब सारे जगह पे तो झंडे गाड़ दिए आपने, अब फुटबॉल में भी गाड़ो मोदी जी। हाँ यार, मतलब हेड्स ऑफ है यार उसको, मैंने काफी जगह पे भी बोला कि वो बुरी आदत अब मैं भी छोड़ूंगा उनका, उनकी जो, हाँ यार यस, वो देख के ना बहुत रियल लगा। और फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा फैमिली ड्रामा चलता है तो थोड़ी स्लो होती है पिक्चर, थोड़ा बोर होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में मजा आएगा, उठने नहीं देगा वो जो 1.5 घंटा है सेकेंड हाफ का। फाइनल मैच एवरी, जब दंगल में भी फाइनल में ऐसा हुआ था, चकदे में भी फाइनल में, और मैदान में भी फाइनल में, स्लो पॉइजन है ये पिक्चर। ठीक है वो लड़की, मतलब एज एन एक्ट्रेस शी इज ओके एंड काम ठीक ठाक था, लेकिन मेन तो नजर प्लेयर्स पे और अजय पे थी। देखो क्या है ना कि अच्छाई पे हर बार बुराई पे मात होती है, और यहाँ पे भी वही हुआ। यस, काफी जगह भी मिलेंगे ऐसे, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त आप जैसे भी होना बहुत जरूरी है। पिक्चर के लिए देखो, ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस में कमाएगी, लेकिन 2 दिन बाद में पिक्चर उठेगी, पहले 2 दिन का कलेक्शन थोड़ा कम रहेगा उसके मुकाबले में, बड़े मियाँ का ज्यादा रहेगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद में जब वर्ड ऑफ माउथ आएगा इस पिक्चर का, तो ये लंबा लंबा रेस का घोड़ा है हर बार अजय देवगन। अभी शैतान में भी देखा, और मैदान में भी वैसे ही, जैसे शैतान अभी तक थिएटर में लगी हुई है, मैंने पिछले बार भी बोला था 100 दिन शैतान कंप्लीट करेगी, और वो करके रहेगी, और मैदान में वैसे 100 दिन थिएटर में लगी रहेगी जी। स्क्रीन्स का देखो शेयर डिवाइड होएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़े मियां को भी इफेक्ट होएगा, मैदान को भी होएगा, लेकिन जैसे गदर और ओ माय गॉड चली, और उसके बाद पहले भी अपना डंकी और सलार चली, तो चली थी, पब्लिक आई थी, आपने भी बहुत सारे पब्लिक रिव्यू कवर किए थे, तो वैसे ये दोनों भी चलेगी और 100% चलेगी। ईद का मौका है, पब्लिक आती है, टिकट खरीदती है और पिक्चर देखती है। इस फिल्म को मेरी तरफ से 4 स्टार। थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत मेहनत की है और दिल से पिक्चर बनी, जैसे वो रहीम जो कोच थे वैसे असल में अजय देवगन है। मतलब जो भी करते हैं ना पूरी मेहनत के साथ करते हैं, तो पूरी परफेक्ट फिल्म है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए अजय देवगन को, तो मतलब अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, और सबने बहुत अच्छा काम किया है। यानी अगर प्रिया मणि की बात करें या क्रिकेटर्स की, जो अपना सॉरी फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें, सब परफेक्ट एकदम। मतलब बाहर के जो खेलते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक मोटिव होता है कि हमको जीतना है। अपने इंडियंस लोग को बाकी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, पैसा बचाना है, घर बचाना है, घर के और 50 मुसीबतें होती हैं, उसके बाद वो लोग खेलते हैं। तो हमारे यहाँ पर खेल को तो महत्व दिया ही नहीं जाता है, और इस फिर भी इंडियंस लोग जीत के आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये पिक्चर में दिखाया है, बहुत मतलब बहुत इमोशनल फिल्म थी। किसके बारे में? अरे गजराज जी का तो जो नेगेटिव रोल है बहुत मस्त किया है, लेकिन एक वही होता है ना, एक आदमी को बाद में रियलाइज होता है, तो बोलते हैं ना चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वो उन्होंने अपना किरदार अच्छे से निभाया। किसका? वो लाए तो थे, लेकिन अब तक उसको फॉलो नहीं किया गया है, बोले ना अभी भी इंतजार है, वो जीतने के बाद अब तक नहीं जीते हैं, तो तभी उनका सक्सेस होगी, उनकी इतनी मेहनत जो पिक्चर में दिखाया है, जब रियल में फुटबॉल फिर से आ गया है। ये तो बाजी मार के लेके जाएगी। मैदान तो बाजी मारेगी।
मैं बोल रही हूँ ना कि दिन पे दिन मतलब है ना उनकी एक्टिंग, वो जैसा रोल होता है ना वैसे ही बन जाते हैं। अगर वो कॉमेडी करते हैं गोलमाल में तो वो कॉमेडी लगती है उनके चेहरे पे, और ये सीरियस रोल था, बहुत बहुत ही अच्छे से किया, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगा उनका परफॉर्मेंस। मैं तो पूरे 5 दूंगी। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है, और फुटबॉल गेम के ऊपर है, जो मूवी में भी बताया गया कि हमारे देश में अब वो कोई टीम नहीं है फुटबॉल की, तो वो क्यों नहीं है या उसके पीछे लोगों का पहले डेडिकेशन क्या था, या शायद वो डेडिकेशन नहीं है, वो ये मूवी देखकर आपको पता चलता है। देखिए यूं ही नहीं कहते कि एक गुरु जो है वो देश को विश्व गुरु बनाता है। हमारे देश में ऐसे कई गुरु हुए हैं, जैसे चाणक्य जी हुए हैं, और अब हम रहीम जी के बारे में जान रहे हैं। तो अगर हमें वो रेवोल्यूशन वापस लाना है तो हमें वैसे गुरु वापस लाने की जरूरत है, किसी को फिर से एक रहीम बनने की जरूरत है। दैट्स इट। ऑफकोर्स पूरी मूवी काफी इमोशनल है, बट जब क्लाइमेक्स का आप सीन देखते हैं, तो जब एक टीम खेल रही थी तो वो टीम सिर्फ अपने देश के लिए या अपने लिए नहीं खेल रही थी, तब वो टीम अपने गुरु के लिए खेल रही थी, तो वो डेडिकेशन देख के और वो चीज देख के कोई भी इमोशनल हो सकता है। दैट वाज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ द मूवी फॉर मी। ऑफ कोर्स पूरी मूवी सिर्फ एक ही आप कैरेक्टर को ना पकड़े, सबको लेकर अजय देवगन जी को जो भी एक कोच से फिर यू नो एक इंसान, उसकी लाइफ उसके लिए सब कुछ होती है, बट उनके लिए उनका गेम, उनकी टीम, उनकी लाइफ से भी बढ़कर थी इस मूवी में। तो आपको हर एक प्लेयर उसमें इंस्पायरिंग करता है, हर कैरेक्टर इंस्पायर करता है, चाहे वो उनकी वाइफ हो, खुद रहीम जी, उनका बेटा हो। आई थिंक एवरीवन इज वेरी इंस्पायरिंग पर्सन इन दिस मूवी। ऑफ कोर्स अजय देवगन जी तो वैसे ही वो एक काफ़ी अच्छे स्टार है, काफ़ी अच्छे एक्टर है, वो जो भी कैरेक्टर करते हैं वो उसे पकड़ते हैं, चाहे तानाजी हो या जो भी उनके कैरेक्टर्स हो। दृश्यम जैसी मूवीज की हैं उन्होंने, उनके लिए तो जो शब्द कहे जाए वो कम है। और ऑफ कोर्स रहीम सर का भी कैरेक्टर उन्होंने काफ़ी अच्छे से पकड़ा, और उन्हें देखकर ऑफ कोर्स कोई भी इमोशनल हो जाता है, तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर हिम। देखिए आज के टाइम में ऑडियंस इतनी तो समझदार है कि वो पिक्चर की स्टोरी देख के, कैरेक्टर्स देख के, लोगों की मेहनत देख के मूवी देखने जाती है, तो ऑफ कोर्स अगर लोग पिक्चर देखेंगे तो लोगों को पिक्चर पसंद आएगी। आप जैसे लोगों के रिव्यूअर्स के रिव्यू सुनेंगे तो उन्हें पिक्चर पसंद आएगी, तो ये पिक्चर के काम पर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा या उससे कोई मैटर नहीं करता। 5 out of 5 सर। मैदान पिक्चर जैसा नाम था ऐसा मूवी था, जो एक्सपेक्टेशन थी उस मूवी से, अजय देवगन से पिक्चर खरी उतरी है। क्या बोलना चाहोगे जो रहमान साहब ने फुटबॉल को लेकर रेवोल्यूशन लाया था, आज का जो फुटबॉल का कंडीशन है इंडिया में, क्या बोलना चाहोगे? आज 64 इयर्स हो गए उस दिन को और आज के दिन को, अब तक हमने फुटबॉल में गोल्ड मेडल शायद ओलंपिक में नहीं जीता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नए जो यंग जो प्लेयर्स है जो फुटबॉल खेलते हैं, जो ओलंपिक में जाते हैं, उनके लिए सबक भी है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए खुद से और खेलना चाहिए आगे। अजय देवगन का रोल लिटरली मैं पूरी मूवी में 2 बार तो ऐसा लगा कि रो दूंगा मैं, जहाँ पे एक तो लास्ट जो फाइनल जीत जाते हो तब भी वो मैदान में खड़े उनके मुँह से ब्लड वगैरह निकल रहा है, और सेकेंड वाला वो कि जब सेकेंड हाफ में वो अपने एक मोटिवेशन देते प्लेयर को तब भी खड़े होके, जबकि उनको पूरी खून की उल्टियाँ होती रहती, और रोने लायक वो सीन था, बट कंट्रोल किया खुद को, बहुत बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने। वो मोमेंट ऐसे था, मेरे घुसबम खड़े हो गए अभी जब आपने पूछा ये, कि जब उनको पता है कि उनके साल के कुछ ही दिन बचे हैं या कुछ ही साल बचे, तब भी उनका एक गोल था कि उनको ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल दिलाने इंडिया को, उनको पता है कि आप कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकते हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि मेरी एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि जो तुम्हारी ख्वाहिश हो तुम पूरी करो, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। एक मतलब पत्नी का रोल भी बहुत अच्छा निभाया उन्होंने, एक कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि बीबी ने एक पति का सपोर्ट नहीं किया हो, और जो रहीम का नाम है और रहीम ने रोशन किया है। वो लगे भाई जर्नलिस्ट लगे, हम देखते हैं सब जर्नलिस्ट को, मगर ये होता ही है, ये क्रिटिसिज्म है,
और हम देखते ये चीज़ हर 11 में 12 में एक तो होता ही है, बट वो नहीं होता ना तो गोल्ड मेडल नहीं होता मेरे हिसाब से। आउट ऑफ 5 में से पूरे 5 दूंगा मैं, क्योंकि इस साल की बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे और मैं इसको दोबारा और एक बार देखूंगा, क्योंकि मैं भाई इंटरवल जब हुआ तब मैं बाहर भी नहीं गया था, कब स्टार्ट हो जाएगी वो छोड़ के मैं और एक बार पिक्चर ज़रूर देखूंगा। बड़े मियाँ अलग फ्रेंचाइजी है, वो एक नाम को लेके आ रही है, एक नई अक्षय और टाइगर श्रॉफ का उसमें जोड़ी है, और ये पिक्चर अपने रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, तो दोनों की ऑडियंस अलग है और मैं चाहता हूँ दोनों पिक्चर को लोग ज़रूर देखना जाए, वो एक अलग कैटेगरी है ये अलग कैटेगरी है, तो दोनों पिक्चर को अच्छा ओपनिंग मिलेगा मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन ऑन योर चैनल। मैदान के बारे में बात करते हैं तो मैदान काफ़ी खूबसूरत फिल्म बन के आई है, मोटिवेट करने लायक है। हाँ, ये चक दे इंडिया जैसी नहीं बनी है, बट चक दे इंडिया से कम भी नहीं बनी है। फिल्म के अगर खूबसूरती के बारे में बात करूँ तो एक 1962 को ये साल को सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई है, जहाँ पे 99% लोग इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, ये वाकई वो, और जिस देश में इंडिया खेल रही थी वो देश में भी बहिष्कार उस टीम का किया गया था। तो इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भी इवन उन लोगों को कपड़े भी खुद से ही धोने पड़े थे, खाना भी खुद से बनाना पड़ा था, अपने देश की सरकार उस टीम के साथ नहीं थी, फुटबॉल को उस लेवल से नहीं देखा जा रहा था। इतने सारे बहिष्कार के बाद भी फिल्म में दर्शाया गया कि कैसे इंडिया ने फुटबॉल में अपनी जीत हासिल की है, तो वो काफ़ी खूबसूरत था, देखने लायक था। जर्नी काफ़ी अच्छे तरीके से बताई गई है, स्पेशली अजय देवगन की काफ़ी तारीफें करना चाहूँगा। अजय देवगन ने 4 चांद लगा दिए हैं, वो कभी भी मेरे ख्याल से इंटेंस रोल में ज़बरदस्त फिट होते हैं यार, उनकी आंखें सबसे ज़्यादा बात करती है, मतलब उनको डायलॉग डिलीवरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनकी आंखें ही काफ़ी है भाई एक लुक देने के लिए। अरे ज़बरदस्त खतरनाक उन्होंने काम किया है, एक एक फ्रेम में खूबसूरत तरीके से डायलॉग डिलीवरी दी है। स्पेशली जब भी मोटिवेशंस की बात आती है तो अजय देवगन ने काफ़ी ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी दी है। लास्ट में उनका स्पीच वाला सीन है जहाँ पे उनका एक डायलॉग मुझे बहुत भाग गया, वो बोलता है कि तुम आज मैदान में उतरना 11 पर दिखना एक, इसका अगर मतलब लगाओ तो आप भी मतलब लगा लो कि कितने खूबसूरत इसका मतलब निकलता है। बाकी कहना चाहूँगा इसमें प्रिया मणि ने भी अच्छा खासा सपोर्टिव काम किया है, गजराज राव इसमें अच्छा खासा दिखाई दे रहे हैं, एआर रहमान का म्यूज़िक इतना सूदिंग लग रहा है, सेटिस्फाइंग लग रहा है। उसी के साथ साथ अगर एक क्लाइमैक्स सॉन्ग है जहाँ पे आपको 3 मिनट दिए गए हैं, आपको बस बॉल बचाना है, अब ये बॉल बचाने में वो लोग ने कितना कुछ सहा है, कोई किसके मुंह पे बॉल लग रहा है, कोई किसको गिरा रहा है, कोई ऐसा घसीट के पीछे डाल रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें हो रही है। और उसी के साथ साथ मोटिवेट भी करना है, इंडिया सेलिब्रेट हो रहा है वो भी सेलिब्रेट करना है, इवन एक दूसरे फ्रेम में दिखा रहे हैं कि अजय देवगन को दमा लग गया है, तो वो सारी चीज़ें चल रही है और उसमें वो गाना बज रहा है, तो इतना सूदिंग लगता है वो गाना सुनने के लिए, इमोशनल टच दिया गया है। इसके डायरेक्टर ने एक मेहनत की है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है लोगों के सामने जताने का, लोगों के सामने बताने का, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी पसंद फिल्म आएगी। इसी के साथ साथ ये फिल्म BMCM के साथ क्लैश हो रही है, तो ऑब्वियसली जैसे सलार वर्सेस डंकी का जो माहौल हुआ था या फिर एक और फिल्म के वक्त ऐसा माहौल हुआ था, वैसा ही माहौल ये टाइम रिपीट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है BMCM के लिए हो सकता है ज़्यादा क्राउड जाए, ये फिल्म स्पेसिफिक क्राउड को कैटर करता है, तो मुझे लगता है जो भी इस फिल्म को जाके देखेगा ऑफकोर्स एक नया एक्सपीरियंस लेके आएगा और कुछ ना कुछ इस फिल्म से सीख लेगा। ऑफकोर्स रहीम से याद है, आपका भी नाम रहीम है, तो रहीम भाई कहना रहेगा जिस तरीके से जब वो टीम इंडिया के लिए एज ए इंडियन कोच थे तब तक इंडिया का जो परचम था लहरा रहा था, बट उसके बाद अब तक इंडिया ने अपनी जीत फुटबॉल में हासिल नहीं की है, इसका कहीं ना कहीं दुख होता है। ऑफकोर्स जो सोडी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था उसके वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था उनको, बट उसके बाद एक जीत का जश्न उन्होंने दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ऐसे रहीम भाई आने चाहिए जो हमें इंडिया के उस लेवल पे लेके जाए जो लेवल हम डिजर्व करते हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पिक्चर में बताया गया गजराज जी का जो रोल बताया,
कितना इम्पोर्टेंट लगा? वो मुझे काफी ये लगा, मतलब पहले तो वो नेगेटिव तरीके से बात करता, मुझे लगता है पेड़ पीआर किया है इसने, पेड़ जर्नलिस्ट है, इसके वजह से खिलाफ में बात कर रहा है, या फिर सामने वाली पार्टी ने जापान कोरिया वाले लोगों ने उसको पैसा वैसा दिया रहेगा तो इंडिया के बारे में खिलाफ लिखा ऐसा वैसा। बट फिर जब मुझे खुशी होती है जब 99% ऑडियंस जब इंडिया के खिलाफ बात करती है और जब वो फुटबॉल जीत जाते हैं बाय 2 स्कोर्स, और तभी सिर्फ एक ही अकेला गजराज राव जो होता है, इवन प्रेसिडेंट भी नहीं होता, सिर्फ गजराज राव रहते जो इनो जीत में शामिल होते, तो मुझे वो जश्न देख के काफ़ी अच्छा लगा। वाकई में कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम करते हो तो बस आप एक नेकी पकड़ के रहो, भले आपके लोग खिलाफ बात करें बट एक ना एक वक्त आएगा सही टाइम पर सब लोग आपके साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आउट ऑफ 5, 3.5 स्टार देना चाहूँगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथी फिल्म लगी, फर्स्ट हाफ मुझे ऐसा लग रहा था अरे कभी इंटरवल लेगा, अरे अब तक 1.5 घंटे ही हुआ अब तक इंटरवल होने, अरे 50 मिनट ही हुए अब तक इंटरवल होने, मुझे लगा तो अब तक तो इंटरवल हो जाना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीन कट कर देना चाहिए था मुझे ऐसा लगा, बट ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। सर मूवी तो बहुत अच्छी फिल्म थी और एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म जैसे रहती है वैसी ही फिल्म थी, थोड़ी बहुत चकदे तो नहीं बोलेंगे बट उसके आसपास की फिल्म थी। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, स्पेशली मुझे तो लगता है कि ये फुटबॉल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी भी मैंने उनसे सवाल पूछा था अजय देवगन से कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये फिल्म फुटबॉल फेडरेशन को दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, तो उनका जवाब था कि ज़रूर दिखानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको दिखानी चाहिए और उनको ये मतलब कि एहसास दिलाना चाहिए कि एक ऐसे कोच लाने की ज़रूरत है जो फुटबॉल को थोड़ा नाम दिलाएं इंडिया में, मतलब फुटबॉल की मतलब जो एकदम पहचान भूल दी गई है तो इंडिया में थोड़ा फुटबॉल का लोग जाने की क्या है फुटबॉल। उनकी मेहनत, वही उनकी मेहनत के ऊपर ही दुख होता है कि आज जो उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज जो फुटबॉल की कंडीशन है उसके ऊपर दुख हो रहा है हमें कि मतलब कि आज कोई इंडिया के पास क्या कोच ही नहीं है कोई ज्वाइन करने वाला, या इंडियन फेडरेशन कर क्या रही है फुटबॉल फेडरेशन, उसका सवाल उठता है कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन कर क्या रही है। अजय देवगन का काम के बारे में क्या तारीफ करूँ उनके काम की, मतलब वो आँखों से ही मार डालते हैं वैसा वाला सीन रहता है उनका कि मतलब फिल्म में जितने कम डायलॉग्स हैं उनके और वो सिर्फ आंखों का एक्सप्रेशन ही उनका बहुत काफ़ी है वो सामने वाले को सुनाने के लिए या सामने वाले को बताने के लिए। उनका रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब कि आखिर में जो चिल्लाए हैं और आखिर में जो मतलब कि इतना नेगेटिव कैरेक्टर होके भी आखिर में जो उन्होंने सपोर्ट किया है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। आउट ऑफ 5 मैं 4 दूंगा क्योंकि फिल्म स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो पेस लगी और जितना ड्यूरेशन खींचे हैं उन लोग ने उतना नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात की जाए तो एक बहुत ही बिग बजट फिल्म है वो और स्टार्स भी उसमें ज़्यादा हैं, तो अगर ये सिंगल मतलब कि उसमें अगर ये एक दिन पहले या 2 दिन पहले रिलीज होती तो ये फिल्म थोड़ा और ज़्यादा कमा लेती बट मेरे ख्याल से। ओके ओके सुपर। अरे सर इतने बड़े स्टार हैं हमारे अजय देवगन सर, यार उनको तो सलूट है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, सुपर। रहीम साहब का एज ए करेक्टर इज़ गुड यार, और 1952 की स्टोरी है फुटबॉल और बहुत मेहनत से बनाई है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है और आप सिनेमेटिक देखें, डीओपी का काम बहुत अच्छा है और एक एक सीन को कैसा सिनेरियो दिया है वो भी बहुत अच्छा काम किया है। अमित शर्मा ने सुपर डायरेक्शन किया है और एआर रहमान साहब का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। देखो अपना नेशनल गेम जो है वो तो हॉकी है बराबर, लेकिन एक फुटबॉल भी एक गेम ऐसा है जो वर्ल्ड में हर जगह होता है और हर कोई लाइक करता है, बच्चा बच्चा घर में भी खेलता है, लेकिन इसको डाउन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एज ए हर गेम को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और अच्छा फीडबैक देना चाहिए, ये फुटबॉल से एक मैसेज भी है, अपना इंडिया को बहुत अच्छा मैसेज दिया है, इंडिया को इतना गिरा हुआ मत समझो, जो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है
और रहीम साहब ने वो करके दिखाया है। और एक सीएम के मिनिस्टर के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और वो जीत के जब आते हैं वहाँ से कहते हैं मैं अब मेरी टीम जाएगी, तो कितना प्राउड फील होता है और अच्छा शॉट दिखाया है वो। यार इमोशनल तो लास्ट में बहुत इमोशनल हुआ, जैसे कि उनकी वाइफ घर में रेडियो में कमेंट्री सुनती हैं और उनकी मम्मी तस्बीह लेके दुआ मांगती हैं झूले पे बैठ के। तो आई थिंक जो रहीम साहब की फैमिली है और वो उनको भी एक लगता है ना मेरा बेटा कोच है और वो मतलब कुछ झंडा गाड़ के आए, तो वाकई बात अपनी फैमिली के लिए और इंडिया के लिए उन्होंने झंडा गाड़ा है और बहुत अच्छा काम किया है। अरे सुपर है भाई, वो तो सिंगारी चल रहा है उनका और बस वो बोलते हैं मैं ये लिख दूंगा तुम्हारी टीम वहाँ नहीं जाएगी, बस वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। बाकी रहीम साहब को वो चाहते थे मैं नीचे गिरा दूं, लेकिन रहीम साहब गिर नहीं पाए और अजय सर ने बहुत अच्छा काम किया। 10 में से 4.5 कमी कुछ नहीं लगी, सुपर है, लेकिन 10 में से 4.5 सही है, इनफ है। भाई देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ ना, अभी अक्षय कुमार साहब को देख देख के पब्लिक पक गई है और यार कितना टेररिस्ट पे मतलब फाइट पे पिक्चरें आएंगी, हिंदू मुस्लिम ये वो करके बना रहे हैं, मैं तो नहीं समझता चल पाएगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन इसमें टाइगर श्रॉफ को बहुत वो दिखाया है, गिरा हुआ जो दिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं दिखाया है। बस मैदान मूवी मेरे को काफ़ी पसंद आई, सैयद अब्दुल रहीम का कैरेक्टर कर रहे हैं वो अजय देवगन साहब, मतलब कि यार बोलूँ ना मैं कि इतना साल क्यों लगा पोस्टपोन हो के फाइनली रिलीज होने जा रही है, तो चलो अच्छी बात है रिलीज कम से कम थिएटर में हो रही है। मेरे को लगा कि OTT पे ना चले जाए, और आपको बोलूँ कि ये OTT वाली मूवी नहीं थी, ये थिएटर वाली मूवी थी। मूवी बहुत अच्छी है, फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में पूरा फैमिली ड्रामा वगैरह दिखाया है और अजय देवगन की एक्टिंग के बारे जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं ना भाई, मतलब कि यार कोई भी कैरेक्टर दे दो उनके अंदर वो ना उस कैरेक्टर में ना ढल जाते हैं। और इस बार ना सैयद रहीम जी का जो कैरेक्टर है ना वो लग ही नहीं रहे कि वो अजय देवगन है, वो उस कैरेक्टर को जी रहे जिस तरीके से वो एक उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना देख के आप बोलोगे यार क्या एक्टिंग कर रहा है बंदा मक्खन के जैसा। मूवी काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा थोड़ा कहीं कहीं में स्लोपन लगती है लेकिन पब्लिक को बैठा के रखती है, लेकिन मूवी में सबसे ज़्यादा दम आता है जब आप सेकेंड हाफ जब बैठते हो ना उसके बाद तो हंगना उतना बंद, उसके बाद आप सीट पर बैठे रहो आप बोलोगे कि मैं जाऊँगा नहीं वॉशरूम। इतनी अच्छी तरीके से मूवी को पकड़ के रखा इन्होंने और इमोशनल सीन्स यार आपको कहीं कहीं पे ऐसा इमोशनल करती है मूवी कि आंखों से आंसू आ जाता है। मैं बोलूँ ना स्पोर्ट्स पे मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है, चक दे इंडिया, गोल्ड, मैं बोलूँ ना MS धोनी के बाद कोई मेरे को अच्छी लगी है ना तो ये मूवी है। और MS धोनी का रन टाइम बता दूँ आपको 3 घंटे 8 मिनट की थी और इसकी रन टाइम है 3 घंटे 1 मिनट की। और अगर कॉन्टेंट की बात करें तो कॉन्टेंट में वो दम लग रहा है कि ऑडियंस को बैठा के रखी गई है मूवी। जी बराबर, सिर्फ फुटबॉल की मतलब जी होता ना देखो आज आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता, क्रिकेट को जो कि इंग्लैंड वाले ने पैदा किया, लेकिन फुटबॉल किसने पैदा किया हिंदुस्तान में, फुटबॉल जैसे रहीम सर ने कितने मेहनत किया था उन्होंने अपने प्लेयर्स को लेके किस तरीके से मैच वगैरह खेले और किस तरीके से जीत हासिल किया, तो हम लोगों को एक प्राउड फील होता है। जैसे ये जिन्होंने बोनी कपूर ने इस स्टोरी को दिखाया उनको सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने रहीम जी का एक स्टोरी हम लोगों को दिखाया कि इन्होंने कैसे फुटबॉल्स को आगे लाया था, और अजय देवगन को भी सल्यूट करता कि वो कैरेक्टर के उन्होंने हाँ किया और 4-5 साल इंतजार किया उन्होंने ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन लगा उसके बाद मैं OTT पे डाल दूँ, नहीं ये मूवी थिएटर वाली थी, उनको पता था कि ऑडियंस को पसंद आएगी। तो मैं वन वर्ड बोलूँ ना कि ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए और ये ईद ना अजय देवगन के नाम बहुत सीन ऐसे बहुत काफ़ी जगहों पे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आपको गुजबम आते हैं और खासकर जब इनको कुछ बीमारी होता है तो जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल, मतलब वो सीन इतना इमोशनल सीन था ना कि आप खुद रो पड़ोगे, बोलोगे यार मतलब कि आंखों से आंसू, मैं अरे बस शब्द नहीं है, मतलब स्पीचलेस बोल ही नहीं सकता हूँ कुछ। आप देखो मूवी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है मैदान, इसको जो हल्के में ले रहे हो तो हल्के में मतलब इस मूवी को जी
देखो अभी मूवी देखने के बाद ना मेरे को ना ऐसा फील हो रहा अंदर से कि यार ये किले सब बड़ी हो गई है। हम लोग बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बड़ी मूवी बोल रहे थे ना, ये कम नहीं है। इसके कॉन्टेंट में जो दम है ना, आजकल कॉन्टेंट चल रही है। मैं आई होप उम्मीद करता हूँ कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी कॉन्टेंट अच्छी हो, क्योंकि एक्शन मूवी अब सिर्फ घुसा फाइट वगैरह देखने नहीं जाती है, उसमें एक कॉन्टेंट भी देखने जाती है। देखो अभी फाइटर में क्या था, एक्शन वगैरह था, लेकिन कॉन्टेंट में उतना दम नहीं था। टाइगर थ्री पकड़ लो, कॉन्टेंट वो लोग नहीं पकड़ पाए तो मूवी ज़्यादा चली नहीं। अगर बड़े में छोटे में कॉन्टेंट निकली तो मूवी चलेगी, अगर कॉन्टेंट नहीं रहे, सिर्फ एक्शन ही रहा, सिर्फ एक्शन पे फोकस रहा, तो कहीं ना कहीं मैदान भारी पड़ जाएगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा। लेकिन मैं फिल्मी लवर हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़े और ईद पे रिलीज हो रही है, दोनों फिल्मों को ईद ही मिले, ताकि बॉलीवुड में और भी आगे अच्छी अच्छी फिल्में बने, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में चलेगी तो और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। जी देखिए, अजय देवगन की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी 3 नेशनल अवार्ड उनको मिल चुका है, और इसके लिए 4th नेशनल अवार्ड रेडी रख दो, क्योंकि उनको 100% मिलेगा इस कैरेक्टर के लिए। सैयद अब्दुल रहीम, ये मेरे दिमाग में बैठ गया कैरेक्टर, और सभी ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाएगा मूवी देखने के बाद। मैं तो बोलूँ उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इस मूवी के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। देखिए मूवी के हिसाब से तो मैं 4.5 स्टार दूंगा, लेकिन अजय देवगन और बाकी जितनी भी टीम से जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनको यार यूनिवर्स दो, जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया काम को। बहुत अच्छी मूवी है, काफी इमोशनल है और मोटिवेशनल भी है। आज की स्थिति जो देखें वो फुटबॉल में, फुटबॉल की काफी लो है इंडिया में, अदर्स कंट्रीज में उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो जैसे ही उन्होंने अपने टाइम पे किया था वैसे आज के टाइम पे करना चाहिए। अजय देवगन ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, किरदार को बखूबी निभाया है, और वो तो हमेशा से अच्छा करते हैं, एक्शन हीरो के रूप में है, लेकिन आज उनकी मूवी देख के ऐसा लगा कि हाँ इमोशनल एक्टिंग भी कर सकते हैं और अच्छा। हाँ, इमोशनल हुए जब वो कैंसर का पता चलता है, फिर उनको रिजाइन करना पड़ता है कोच से, वो वहाँ पे इमोशनल मोमेंट था। लास्ट में जब प्लेयर्स अपने लिए लड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं, किसी को सर में चोट है तो खेल रहे हैं, किसी को पैर में लगा है तो खेल रहे हैं, वो इमोशनल मोमेंट था। अब वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरफ जाना चाहती है, स्पोर्ट्स की तरफ या एक्शन ड्रामा की तरफ। आएगी, आनी चाहिए, काफी नॉलेजेबल मूवी है। 5 out of 5।